बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल को कवर किया, टू नो द पॉसिबिलिटी इफ वी मल्टीप्लाई और ऐड। और उसके बाद हमने कहा अगर हमें अरेंजमेंट करनी हो व्हेन नंबर ऑफ प्लेसेस एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, वी यूज़ व्हाट एन फैक्टोरियल। तो हम एन फैक्टोरियल इस्तेमाल करते हैं। तो एन फैक्टोरियल वाला ही सिलसिला हमारा अभी जारी है और उसका एक टेक्निकल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। थोड़ा मुश्किल है, मतलब यानी कि चीज़ें टेक्निकल है, समझनी पड़ेंगी हमें। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है? देखिएगा सब लोग तवज्जो से। देर आर 8 निकल, 5 सिल्वर एंड 2 गोल्ड मेडल्स, ठीक है जी? आपके पास 3 किस्म के मेडल्स हैं, 3 निकल के मेडल्स हैं, 5 सिल्वर के मेडल्स हैं और 2 गोल्ड मेडल्स हैं। निकल मतलब धात है, कांसी का तमगा कहते हैं इसको, फिर चांदी का तमगा और फिर सोने का तमगा, ठीक है जी? तो मेडल्स ऑफ सेम मटेरियल आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडल्स ऑफ सेम मटेरियल आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है जनाब, गोल्ड मेडल का भले मटेरियल सेम हो, सिल्वर मेडल जो 5 हैं वो 5ों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, निकल मेडल 3 हैं वो तीनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन तीनों एक मटेरियल के होने के बावजूद भी तीनों को देखने में क्या फ़र्क है, मतलब साइज का, डिज़ाइन का। तो 3 निकल मेडल्स भी दिखने में मुख्तलिफ हैं, 5 सिल्वर मेडल्स भी दिखने में मुख्तलिफ हैं और 2 गोल्ड मेडल्स भी दिखने में क्या है, मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी? ये बात बड़ी अहम है। अगर दिखने में एक जैसे होते तो क्या होता, उनको उनका सीक्वेंस आगे पीछे करने से उनके देखने वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता अरेंजमेंट के लिहाज से। इस चीज को समझिएगा, अगर 2 एक जैसी चीजें, अगर 2 जुड़वा भाई जिनकी शक्लें जो हैं वो एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए, जिनके अंदर आप फर्क नहीं कर पा रहे, अगर उनकी अरेंजमेंट आप चेंज करके देखें, राइट वाला लेफ्ट पे बैठ जाए, लेफ्ट वाला राइट पे बैठ जाए, तो आपको क्या लगेगा, क्या कोई तब्दीली हुई है कि नहीं हुई? इन रियलिटी तो हुई है, लेकिन देखने वाले के लगेगा जनाब के कोई फर्क नहीं हो। तो जब एक चीज दूसरी चीज से क्या होती है, फर्क होती है, तब उसकी अरेंजमेंट चेंज करने से देखने वाले को क्या महसूस होता है, फर्क महसूस होता है। क्या ये बात आप लोग मेरी समझ पा रहे हैं? जवाब दीजिए प्लीज। तो 3 निकल मेडल्स हैं, 5 सिल्वर मेडल्स हैं, 2 गोल्ड मेडल हैं। मेडल्स ऑफ सेम मटेरियल आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। अब एक काम करते हैं ना, इसको हम बना के देख लेते हैं, ठीक है? रेड कलर से मैं क्या बना रहा हूं, निकल मेडल्स, ठीक है? ये तीनों कौन से मेडल हो गए, निकल मेडल हो गए। ब्लू कलर से क्या बना रहा हूं, सिल्वर मेडल, ठीक
थ्री निकल मेडल्स, फाइव सिल्वर मेडल एंड टू गोल्ड मेडल्स। ठीक है, जब क्या क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? सवाल ये देखिए, ये तीनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ये तीनों निकल मेडल्स हैं। सेम मटेरियल होने के बावजूद भी तीनों के शेप और डिजाइन में क्या है फर्क है? यस और बोले क्या कहते हैं, जवाब दे। इसको कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल होना एक दूसरे से। और भले सिल्वर और निकल का शेप एक जैसा हो, भले सिल्वर और निकल का शेप एक जैसा हो, फिर भी वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल होंगे मटेरियल का फर्क होने की बिना पर। यस और भले सिल्वर और निकल का शेप, भले गोल्ड और सिल्वर का शेप एक जैसा हो, लेकिन फिर भी वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो मटेरियल ही फर्क हो गया ना। क्या कहते हैं? यस और नो बोलिए। अच्छा ओके, अब देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है मेडल्स ऑफ सेम मटेरियल स्टैंड टुगेदर। क्या मतलब? एक मटेरियल के बने हुए मेडल्स जो है वो इकट्ठे अरेंज होंगे। तो मतलब एक मटेरियल के बने हुए कौन कौन से मेडल अंदर निकाल लें, आप मैच कर लें, मतलब आप सेम मटेरियल का सेट बना दें। ठीक है जी, यानी कि एज अ सेट बनाने का मतलब क्या है? आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सिल्वर अगर निकल मेडल्स को निकल मेडल्स के डब्बे में रख दें, पांच सिल्वर मेडल्स को पांच सिल्वर मेडल्स के डब्बे में रख दें, और दो गोल्ड मेडल्स को दो गोल्ड मेडल के डब्बे में रख दें। डब्बे से मुराद क्या है? कंसीडर देम एज अ सेट, जरूरी नहीं है बाउंड्री जो हो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, कंसीडर देम एज अ सेट। अब सवाल क्या है? सवाल मेरा बड़ा सिंपल, के तीन निकल मेडल तीन प्लेसेस पर इकट्ठे रहते हुए अपनी पोजीशन या अपनी अरेंजमेंट कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा? थ्री फैक्टोरियल। ये सॉरी, ये सीखा हमने कल, ये नहीं। तीन निकल मेडल इकट्ठे रहते हुए तीन प्लेसेस पर कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? थ्री फैक्टोरियल वे। क्या कहेंगे आप? बोलिए, जवाब दीजिए। सबसे पूछ रहा हूं, पांच सिल्वर मेडल्स, पांच सिल्वर मेडल्स इकट्ठे रहते हुए पांच फैक्टोरियल वेज में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं? एंड दो गोल्ड मेडल्स इकट्ठे रहते हुए दो फैक्टोरियल वेज में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं? अब बहुत कम चाहिए। क्या लिखा हुआ था भाई? मेडल्स ऑफ सेम मटेरियल स्टैंड टुगेदर। तो ये गोल्ड मेडल की इकट्ठे रहते हुए अरेंजमेंट, ये सिल्वर मेडल की इकट्ठे रहते हुए अरेंजमेंट, और ये किसकी अरेंजमेंट? गोल्ड मेडल की इकट्ठे रहते अरेंजमेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है इसके अंदर, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। एज अ सेट,
गोल्ड मेडल उस जगह भी आ सकते हैं, यानी ये दो गोल्ड मेडल एज अ सेट उठ के यहाँ आ जाए, जहां निकल मेडल, और निकल मेडल एज अ सेट उठ के कहाँ चली जाए, जहां गोल्ड मेडल। तो एज अ सेट क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? एक तो हो गई इनकी आपस की अरेंजमेंट। देखिए आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अगर नहीं सुनेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। एक तो हो गई इनकी आपस की अरेंजमेंट, वो तो हो गई 3 फैक्टोरियल। इनकी आपस की अरेंजमेंट वो हो गई 5 फैक्टोरियल। गोल्ड मेडल की आपस की अरेंजमेंट वो हो गई 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक होगी अब इनकी एज अ ग्रुप अरेंजमेंट, कि ये ग्रुप पूरा का पूरा वहां दिखाई दे जहां 3 निकल मेडल दिखाई दे रहे हैं, या गोल्ड मेडल वहां दिखाई दे जहां निकल मेडल दिखाई दे रहे हैं। मतलब फर्स्ट पर आप किसका सेट रखें, सिल्वर मेडल का, फिर किसका रखें, गोल्ड का, फिर आखिर में रखें किसका, निकल का। तो एज अ सेट ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मेरा सवाल है आपसे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? तो एज अ सेट ये अपनी पोजीशन अगर चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या लगाना है आपने? एडिशनल 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल इनकी आपस की अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल इनकी आपस की अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल इनकी आपस की अरेंजमेंट, और मल्टीप्लाई बाय एडिशनल 3 फैक्टोरियल इनकी फर्दर अरेंजमेंट। तो ये आपका जो है वो ए पार्ट सॉल्व हुआ। बताइए इसका आंसर क्या है? तो नो द पॉसिबिलिटी वी मल्टीप्लाई, तो निकल अरे निकल जो के जो मेडल्स हैं वो सिल्वर के साथ अरेंज हो रहे हैं, तो ये सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। बोलिए बेटा जल्दी बताइए आंसर, बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? एट थाउजेंड सिक्स फोर्टी। मतलब कोई बाकी लोग आंसर निकालने की जहमत ही नहीं कर रहे क्या? कब बेटा सर्दी है, कैलकुलेटर चलाएं, कोई मसला थोड़ी है। ओके जी, उसके बाद मोबाइल फोन से जितने भी लोग क्लासेस ले रहे हैं ना बेटा, वो आराम फरमा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए आप। जी जनाब, उसके बाद अगला सवाल। ठीक है बेटा, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? सिल्वर मेडल्स स्टैंड टुगेदर, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ सिल्वर मेडल स्टैंड टुगेदर है, ये एज अ सेट दिखाई देंगे, बाकी कोई और मेडल एज अ सेट दिखाई नहीं देगा। तो अगर मैं ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है रिमूव कर देता हूँ, तो आप इस बात को समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं कि एज अ सेट इकट्ठे सिर्फ कौन दिखाई देगा? तो इकट्ठे सिर्फ कौन दिखाई दे रहा है? सिल्वर मेडल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा है? इकट्ठे सिर्फ और सिर्फ सिल्वर मेडल दिखाई दे रहे हैं, जवाब दीजिएगा। इसका मतलब क्या है?
जब सिल्वर मेडल इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं तो उनको उनके इकट्ठा अरेंजमेंट जो है वो कितने तरीकों से पॉसिबल है, अभी आप बताएंगे सब लोग मुझे। यानी सिल्वर मेडल इकट्ठे रहते हुए कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, जवाब क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। सही है। लेकिन अब देखिए, बहुत देखिए ये भाई, यहाँ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा है कि गोल्ड मेडल यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, पूरे 2 गोल्ड मेडल उठ के साथ। मतलब ये नहीं कि अब गोल्ड मेडल तो निकल मेडल के साथ अरेंज हो सकते हैं, तो समझ लें इनको एक साथ अरेंज करना है। यानी किसी भी निकल मेडल के दरमियान या उससे पहले गोल्ड मेडल हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, ये उठ के वहां चले जाएं, ये उठ के यहाँ आ जाएं, मतलब इनकी आपस की भी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। तो अब सवाल है कि अगर आपने 5 सिल्वर मेडल्स को अरेंज कर दिया है एज अ सेट, तो फिर आपको रिमेनिंग कितने मेडल्स अरेंज करने, सवाल ये मेरा आपसे। अगर आप सिल्वर मेडल्स 5 अरेंज कर चुके हैं तो बताइए जरा आपको रिमेनिंग कितने मेडल्स अरेंज करने, रिमेनिंग कितने मेडल अरेंज करने, 5 अरेंज करने, 1, 2, 3, 4, 5, और क्या ये पूरा सेट अरेंज नहीं करना? ये सेट भी तो काउंट करे ना वन, क्यों? ये सेट उठकर भी तो सबसे पहले क्या हमें सिल्वर मेडल का सेट दिखाई नहीं सकता कि ये पूरा सेट जो है वो सबसे पहले नंबर पर आ जाए, उसके बाद बाकी के मेडल्स। तो हमें ना सिर्फ 5 मेडल्स मजीद अरेंज करने हैं बल्कि पूरे सेट को भी वन काउंट करना है, तो उसको भी अरेंज करना है। उस मतलब सिल्वर मेडल स्टैंड टुगेदर रहते हुए भी अपनी लोकेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिल्वर मेडल हमें स्टैंड टुगेदर पहले नंबर पर दिखाई दे सकते हैं, सिल्वर मेडल स्टैंड टुगेदर हमें यहाँ भी दिखाई दे सकते हैं, यहाँ भी दिखाई दे सकते हैं, जहाँ है वहां भी देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें अभी सिर्फ 5 मेडल की अरेंजमेंट नहीं करनी बल्कि 6 अरेंजमेंट्स करनी, जिसमें एक सेट को भी हमने काउंट करना है बतौर सेट सिंगल। तो क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, क्या आंसर आया बोलिए? जवाब दीजिए। समझ में आया 6 फैक्टोरियल? 6 फैक्टोरियल समझ में आया सब लोगों को बेटा? क्या आप सबको 6 फैक्टोरियल समझ में आ गया कि क्यों लगाया है? चले गुड, जबरदस्त। तो ये मिसिंग कर रहे थे, मतलब ये नहीं आप इसको भूल रहे थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सी पॉइंट क्या आपके पास? हाँ जी, अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या, जरा देखिए सब लोग। नेक्स्ट पार्ट ये है, गोल्ड मेडल्स ऑक्यूपाई द एंड्स इन अ शेल्फ। गोल्ड मेडल कहाँ पर आएंगे? एंड्स पर आएंगे, एंड्स पर। ये एक एंड पर, ये एक एंड पर, यस और बोलिए, जवाब दीजिए प्लीज।
हाँ जी, गोल्ड मेडल्स ऑक्यूपाई द एंड्स। आप बताइए एंड कितने, बताइए एंड कितने, दो। जबरदस्त, अगर ये एक ये स्टार्ट है तो ये एंड है, और अगर ये स्टार्ट है तो ये एंड है। किसी एक पॉइंट को स्टार्ट मान ले, दूसरा पॉइंट एंड बन जाएगा, तो होता है इसका मतलब दोनों तरफ एंड होता है। ठीक है जी, एंड कितने हैं, दो हैं। रिस्पॉन्स करें बेटा सब लोग। तो दो गोल्ड मेडल्स दो एंड्स पर, जब एंड्स भी दो हैं और गोल्ड मेडल भी दो है, तो सवाल क्या हुआ, दो गोल्ड मेडल्स दो एंड्स पर कितने तरीकों से अरेंज सकते हैं, जवाब क्या आया उसका, टू फैक्टोरियल, यस और नो। दो गोल्ड मेडल्स दो एंड्स पर टू फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, क्या ख्याल है आपका। ऐसा ही है, अच्छा। उसके बाद बाकी जितने भी मेडल्स हैं वो बीच में आएंगे, और वो एक साथ अरेंज सकते हैं, मतलब यहाँ बीच में इधर सिल्वर भी आ सकता है, इधर निकल भी आ सकता है, मतलब ये सारे आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। लेकिन बात ये है कि दो गोल्ड मेडल्स के एंड्स पे अरेंज होने के बाद बीच में कितने मेडल्स बचे, आठ, और उनके पास कहीं और इस बीच के अलावा कहीं और मूव करने का ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ ये आठ गोल्ड मेडल्स को आप इकट्ठा अरेंज कर दें, तो उसके लिए जवाब क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एट फैक्टोरियल। तो इसका आंसर बना टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एट फैक्टोरियल। जवाब दें सब लोग प्लीज, क्या आंसर आता है। एटी थाउजेंड सिक्स फोर्टी। तो जनाब बताइए सारी बात क्लियर है आप लोग, बोलिए। ओके नाउ, आगे बढ़ते मदीद, उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते, तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं आपसे। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन नंबर ऑफ प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल, वी यूज एनपीआर। एनपीआर का एन परमुटेशन टेकन एन आर्ट टाइम, तो एनपीआर बराबर है किसके, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, समझिएगा जरा बात। अरेंजमेंट करनी है लेकिन नंबर ऑफ प्लेसेस और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बराबर नहीं। कल हमने तीन बंदे लिए थे, अगर आपको याद हो, अली डिनोट किया था हमने उसको ए से, ठीक है, याद है आपको, मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, हुनैन
और सुमेर। तो कल जब ये तीन बंदे थे और बैठने के लिए प्लेसेस भी कितनी थी, तीन थी, कल ये तीन बंदे थे और बैठने के लिए प्लेसेस भी कितनी थी, तीन थी। सही है, तो हमने इनको सॉल्व किया था थ्री फैक्टोरियल वेज में। जवाब दें कि पहली प्लेस को फिल करने के लिए थ्री चॉइसेस, दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए टू चॉइसेस, और तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए वन चॉइस। इसका आंसर हमारे पास सिक्स आया था, और वो अरेंजमेंट्स हमारे सामने ऐसे बनी थी, अली, हुनैन, सुमैर, अली, सुमैर, हुनैन, सुमैर, अली, हुनैन, सुमैर, हुनैन, अली, हुनैन, सुमैर, अली और हुनैन, अली, सुमैर। याद है बेटा, ये छह रिजल्ट बने थे आपके सामने, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास लोग तो तीन है, लोग तो तीन है, अली, हुनैन और सुमैर, लेकिन बिठाने के लिए हमारे पास प्लेसेस जो हैं वो कितनी है, सिर्फ दो है, प्लेसेस दो है, लोग तीन हैं, प्लेसेस दो हैं, तो क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ प्लेसेस, क्या बराबर। अभी हम ये केस तो हम कल कर चुके हैं ना बेटा, ये तो कोई नई बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए रिकॉल करवा दिया अपना। नंबर ऑफ प्लेसेस और नंबर ऑफ पर्सन, देखिए हमेशा देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि एन नंबर ऑफ पर्सन या एन नंबर ऑफ प्लेसेस है, नो, एन हमेशा वो वैल्यू होगी जो इनमें से ग्रेटर देन होगी। अगर नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा है तो एन की वैल्यू आप क्या करें, थ्री पुट करें। नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है तो एन यहाँ पुट, अगर अगर नंबर ऑफ पर्सन कम है, प्लेसेस ज्यादा है, तब भी आप जो हाई वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है, उसको आप एन लेंगे। तो मैंने कभी नहीं बोला कि एन नंबर ऑफ प्लेसेस या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नो। बहरहाल बताने का मतलब क्या है कि सवाल यह है बाप से कि तीन बंदों को दो प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो क्या होगा, पहली प्लेस को फिल करने के लिए तीन चॉइसेस होंगे, यस और नो बोली, तीन में से कोई एक ही बैठ पाएगा ना, लेकिन जो लास्ट प्लेस है उसको फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, दो चॉइस, और जब दो में से कोई एक बैठ जाएगा तो एक बंदा जो है वो बैठ नहीं पाएगा, तो क्या मंजर होगा। आंसर तो इत्तफाकन यहां भी सिक्स आ रहा है, लेकिन इस वाले सिक्स में और इस वाले सिक्स में बड़ा फर्क है। कैसे, अगर पहली सीट पे अली बैठा तो दूसरी सीट पर हुनैन बैठ सकता, अगर पहली सीट पे हुनैन बैठा तो दूसरी सीट पे अली बैठ सकता है, अगर पहली सीट पे अली बैठा दूसरी सीट पे सुमैर बैठ सकता है, अगर पहली सीट पे सुमैर बैठा दूसरी सीट पे अली बैठ सकता है, अगर पहली सीट पे हुनैन बैठा साथ में दूसरी सीट पे सुमैर बैठ सकता है, और अगर पहली सीट पे सुमैर बैठा दूसरी सीट पे हुनैन बैठ सकता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये छह पॉसिबिलिटी इन रिजल्ट्स में, और इन रिजल्ट्स में क्या है फर्क है। तो अभी तो फिल वक्त थ्री फैक्टोरियल का और ये वाला आंसर बराबर आ गया, आगे चल के नहीं आएगा जब हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ पर या प्लेसेस बढ़ाएंगे। तो सिक्स देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिक्स एक अलग केस है, यहाँ सब अरेंज हो रहे हैं, ये सिक्स अलग ऐसा केस है जिसमें एट ए टाइम दो लोग अरेंज हो रहे हैं, तीन में से एक बंदा जो है खड़ा रहेगा, मतलब अगर अली और हुनैन बैठ गए तो सुमैर खिला जाएगा। यस और नो, रिस्पॉन्स करें प्लीज।
अगर आप जब नंबर ऑफ प्लेसेस और ऑब्जेक्ट बराबर ना हो और ये आप पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालना चाहते हो, तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें एन फैक्टोरियल में? कैसे करें? कितने लोग हैं? तीन, और एट अ टाइम कितने लोग अरेंज हो सकते हैं? दो, तो आप बोलेंगे 3p2। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेसेस और ऑब्जेक्ट में से ग्रेटर वैल्यू थी वो मैंने एन की जगह रखी, तो नंबर ऑफ पर्सन ग्रेटर देन थे, ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन थे तो वो 3 रख दिया, और प्लेसेस दो थी तो यहाँ रख दिया। अगर प्लेसेस ज्यादा होती तो प्लेसेस पर यहाँ रखता, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो एन बनेगी, बस इतना याद रखिएगा। 3p2, तो अब अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला, 3npr इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, तो जो एन है उसका फैक्टोरियल निकलेगा, मतलब निकाला आपने यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, लेकिन उसको डिवाइड करना है आपको, किससे डिवाइड करना है? एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर कौन? जो अरेंज हो रहा है, तो जब आप उसके डिफरेंस निकालेंगे तो वो बचाएगा, बच जाएगा जो अरेंज नहीं हो पा रहा। अगर आप उसको ओपन करते, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ बचा आखिर में 1 फैक्टोरियल, इसको मैंने ओपन नहीं किया फर्दर। यानी आपको पता है कि मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 वो आखिर तक इसको ओपन कर सकते, लेकिन मैंने 1 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर दिया। और 3 माइनस 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ भी क्या बचेगा आपके पास? 1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल जो है वो अरेंजमेंट है किसकी, तीनों को बिठाते हुए, लेकिन जब आप नीचे डिवाइड कर रहे हैं 3 माइनस 2 के, 3 में से 2 बैठ पा रहे हैं, 1 बैठ नहीं पा रहे, तो ऊपर जो अरेंजमेंट आ रही है वो 3 लोगों को कंसीडर करने के बाद आ रही है 3 प्लेसेस पर, लेकिन अगर आप 1 को बिठा नहीं पा रहे तो उसकी आप परमोशन क्या करवा दें, कैंसिल करवा दें। तो अगर आपने 1 फैक्टोरियल को क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 3 इंटू 2 6। तो ये फॉर्मूला आपको ला रहा है वापस किस पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल पर, के पहली प्लेस को फिल करने के लिए 3 चॉइसेस, दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए 2 चॉइसेस, और एक बंदे को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। क्या आपको समझ में आया कि एनपीआर क्या है? जवाब दें सब लोग। जी बेटा बोलिए। चलिए ओके नेक्स्ट। क्या आप ये सवाल करके दिखा सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बताइएगा, जी बेटा आया आंसर। क्या सवाल है? देयर आर 7 horses इन अ रेस, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 3 विनिंग पोजिशंस आर पॉसिबल? अगर एक रेस में 7 घोड़े दौड़ रहे हैं तो बताइए कि वो 3 विनिंग पोजीशन को कितने तरीकों से हासिल कर सकते हैं। आप सब जानते हैं विनिंग पोजीशन क्या है, 3 है। वन,
टू एंड थ्री, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, जवाब दें। ठीक है, अगर आप एक काम ही इस तरफ सोचे, अगर आप फिनिश लाइन की तरफ खड़े हो जाएं, फिनिश लाइन के उस तरफ खड़े हो जाएं, तो आपको फिनिश लाइन की तरफ सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने लोग, कितने घोड़े भागते हुए दिखाई दे रहे होंगे? तो जवाब क्या होगा, रेस में जितने भी घोड़े हैं वो सारे के सारे कोशिश कर रहे होंगे सबसे पहले फिनिश लाइन वो क्रॉस कर। तो जवाब इसका क्या है, अगर सात घोड़े दौड़ रहे हैं तो सात घोड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, सेवन, मतलब फर्स्ट पोजिशन के उम्मीदवार कितने हैं, सात लोग। लेकिन जैसे ही सात में से एक घोड़े ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली, वो फर्स्ट बन गया, अब बचे कितने, छह, और वो छह क्या करेंगे, सेकंड नंबर के लिए मुकाबला कर रहे होंगे। तो जैसे ही छह में से किसी एक ने लाइन क्रॉस की, वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, और अब थर्ड पोजीशन के लिए कितने घोड़ों में मुकाबला होगा, पांच। अब क्या करेंगे आप, सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय पांच, क्या आंसर आए, 210। ये हमने किससे सॉल्व कर लिया इसको जनाब, हमने इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से सॉल्व कर लिया। सोचते रहा इस बात कि पहली प्लेस को फिल करने के लिए सात उम्मीदवार, दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए छह, और तीसरी को फिल करने के लिए पांच। लेकिन आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं किससे, सेवन पी थ्री से, सेवन परमोशन टेकन एट थ्री टाइम्स। तो आपने डिवाइड किया इसको, सेवन फैक्टोरियल को डिवाइड किया किससे, सेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाय सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल, क्या मतलब, सात फैक्टोरियल सबकी अरेंजमेंट है, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर सात में से तीन की अरेंजमेंट हो जाएगी, चार की अरेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं। तो जो सेवन फैक्टोरियल के अंदर चार घोड़े अरेंज नहीं, चार घोड़ों की अरेंजमेंट जो शामिल है उनको खत्म कर दो, कैंसिल कर दो। तो आप सेवन फैक्टोरियल को ओपन करें, सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव, अगर आप इससे आगे ओपन नहीं करते तो फिर यहाँ क्या रुक जाएगा, फोर फैक्टोरियल। अगर ओपन करेंगे तो फोर थ्री टू वन हो जाएगा, लेकिन अगर आप फोर फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दें इसको, इससे आगे ओपन ना करें, तो फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यस सर, बताइए। दो सौ दस ही आंसर आएगा ऐसे ही। चले उसके बाद लिख लिया आप लोगों ने, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, जवाब दीजिए। जी बताइए,
थ्री पर्सन्स, पढ़ना सवाल नहीं पढ़ रहे आप लोग के। थ्री पर्सन्स एंटर अ रेलवे कैरेज वेयर देयर इज अ बेंच हैविंग 8 सीट्स। तीन लोग एंटर हुए हैं और एक जगह है जहां पर कितनी सीट्स हैं, 8 सीट्स हैं। तो मतलब क्या है, प्लेसेस ज्यादा हैं और बंदे कम हैं, तो तीन बंदे 8 प्लेसेस पर कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लेसेस की वैल्यू ग्रेटर देन बंदे कम है, तो एन आपने हमेशा ग्रेटर वैल्यू को मानना है, ठीक है। तो आप लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला क्या, 8P3, 8 परमुटेशंस टेकन एट 3 टाइम्स। क्या जवाब बनेगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। एट इंटू 7 इंटू 6, क्या बच गया आपके पास, 5 फैक्टोरियल बच गया, इसको ओपन नहीं किया आपने। और नीचे 8 माइनस 3 क्या बचा, 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल करवा दें। आंसर क्या आ गया, 336। जवाब दें। कोई मुश्किल बात है? ओके जनाब, देखिएगा सब लोग। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि देखें अचानक से मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया और हुआ ये कि आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि एनपीआर चल रहा था, तो आप में से बहुत से लोगों ने इसको हो सकता है किससे सॉल्व कर दिया हो एनपीआर से, लेकिन इन रियलिटी ये एनपीआर का क्वेश्चन नहीं है ना। एनपीआर के लिए तो कंडीशन क्या है, जब नंबर ऑफ प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स बराबर ना हो। यहाँ तो सब अरेंज हो रहे हैं, तो ये आपका समझ लें जो हमने आज मेडल्स वाला केस किया है जिसमें सारे मेडल्स थे लेकिन मुख्तलिफ किस्म के भी थे, तो मेडल्स के साथ अरेंजमेंट, मेडल्स के अरेंजमेंट की समझ लें वैसा ही क्वेश्चन अब यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ जनाब, पहला सवाल, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, कितने लोग हुए, 9, इनवाइटेड इन टू अ पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स। तो 9 लोग हैं, सीट्स नहीं बताई कितनी है, तो अज्यूम करें 9 ही सीट्स हैं, दे कैन सिट एनी वेयर, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो 9 लोग 9 सीट्स पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, तो जवाब क्या होगा इसका, सर 9 फैक्टोरियल। अब आप सॉल्व कर लें इसको आगे, मेरा मेन मकसद जो है वो क्या है, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना। भाई सही है, यहां तक बात समझ में आती है, ए वाला आंसर समझ में आ गया। जो सेकंड पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली, ये बीच में सवाल इसलिए लाया हूं कि देखिए दिमाग में एनपीआर चलता तो बच्चा बोलता बस एनपीआर लगाओ, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से सॉल्व करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली, यानी बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेटली बैठेंगे, मतलब बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, या गर्ल बॉय, गर्ल बॉय ऐसे। लेकिन मसला ये है कि अल्टरनेटली बिठाने के लिए बॉय गर्ल भी हो सकता है, गर्ल बॉय भी हो सकता है, लेकिन मसला यहाँ पर ये यह आता है कि नंबर ऑफ बॉयज आपके पास ऑड है और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास इवन है, तो अब यही पॉसिबल है कि बॉयज फिल करें थारी इवन प्लेसेस को, ऑड प्लेसेस को, और गर्ल्स फिल करें सारी किसकी, इवन प्लेसेस को। ठीक है जी, ये 9 प्लेसेस हो गए आपके पास, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, तो जितनी भी ऑड प्लेसेस हैं उनको कौन फिल करेगा, बॉयज फिल करेंगे। जितनी भी इवन प्लेसेस हैं उनको कौन फिल करेगा, उनको गर्ल्स फिल करेंगे।
ठीक है जी। तो सवाल बड़ा सिंपल सा हो गया, देखें अगर आपने प्रैक्टिस की है अभी क्वेश्चंस की तो आपको आइडिया हो जाएगा। पांच बॉयज पांच ऑड प्लेसेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? जवाब मिला सर कित क्या, 5 फैक्टोरियल। और चार गर्ल्स चार इवन प्लेसेस को कितने तरीकों से फिल कर सकती हैं? 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो इससे आपका जो आंसर बनता है वो आ जाना चाहिए। सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। टू पार्टिकुलर गर्ल्स ऑक्यूपाई द एंड्स, ठीक है जी। इसमें हम एक पॉइंट ऐड करते हैं, डी पॉइंट। एनी ऑफ द एनी टू गर्ल्स एनी टू गर्ल्स ऑक्यूपाई द एंड्स, ठीक है जी। तो जरा आप सबसे पहले क्या करें, काम करें सी और डी में फर्क करें पहले। इस क्वेश्चन को करवाने का एक मकसद ये भी अच्छा हो गया, जनाब के यहाँ पर भी आपके सामने सी और डी में फर्क आ जाएगा। टू पार्टिकुलर गर्ल्स ऑक्यूपाई द एंड्स, सवाल क्या है, एंड्स कितने हैं भाई? एंड्स कितने हैं? एंड्स भाई जवाब दे, अभी गोल्ड मेडल वाला क्वेश्चन किया, एंड्स कितने, एंड्स कितने? दो है। सवाल है क्वेश्चन में गर्ल्स कितनी है, चार है। तो क्या आप चार लोगों को, क्या आप चार लोगों को दो प्लेसेस पर 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे, या 4P2 वेज में अरेंज करोगे? सवाल क्या है मेरा आपसे। अभी अपने आंसर को तब्दील मत कीजिएगा, वो मैं समझा रहा हूं, मैं आपसे एक अलग सवाल कर रहा हूं। एंड्स कितने हैं बताइए प्लीज, दो। गर्ल्स कितनी है? चार। तो चार गर्ल्स हैं, दो एंड्स हैं, तो दो एंड्स पर चार गर्ल्स को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? बेटा मेरा फार्मूला बताओ, फाइनल आंसर क्यों देते हो? टू वेज में कैसे? अभी आपने एनपीआर में क्या सीखा कि जब लोग ज्यादा हों और प्लेसेस कम हो तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे? 4P2 से अरेंज नहीं करेंगे। जवाब दें, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको गौर से सुने। तो मैं आपको सिर्फ जगा रहा हूं कि देखें भाई गलती मत करें, सिचुएशन को समझें। ऐसा नहीं कि जिस पे चल रहे हैं कि हाँ अभी ये वाला क्वेश्चन चल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दिमाग से काम करें, मतलब यानी थोड़ा सोचें। अच्छा अब सोची तरह, सबसे पहला फर्क कीजिए सी और डी में। टू पार्टिकुलर गर्ल्स ऑक्यूपाई द एंड्स, एनी ऑफ द टू गर्ल्स ऑक्यूपाई द एंड्स, इसका इसमें फर्क क्या हुआ? दो मखसूस लड़कियां हैं, वो दो ही हैं जो कि एंड पे बैठेंगी, उन दो लड़कियों के अलावा कोई और लड़की एंड पे नहीं बैठेगी। इसका मतलब जब वो गर्ल्स ही दो हैं और एंड्स भी कितने, दो हैं, तो अब यहां पर बिल्कुल 2 फैक्टोरियल लग सकता है, यस और नो? जवाब देना बेटा, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे प्लीज, जवाब दे। टू पार्टिकुलर गर्ल्स ऑक्यूपाई द एंड्स, वो दो मखसूस लड़कियां हैं जो एंड्स पे बैठेंगी, उन दो के अलावा कोई और लड़की नहीं बैठेगी। तो इसका मतलब वो पार्टिकुलरली टू ही गर्ल्स हैं चार में से जो एंड्स पे बैठने वाली हैं, वो दो ही हैं, और एंड्स कितने हैं? दो ही हैं। तो क्या करेंगे? अब लगा दें यहां पर बिल्कुल 2 फैक्टोरियल, क्वेश्चन को समझें फिर लगाएं।
जब लगाया आपने 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर पहले एंड को फिल करने के लिए 2 चॉइसेस, आखिरी एंड को फिल करने के लिए 1 चॉइस, जवाब दें। 9 में से 2 लोग अरेंज हो गए, बीच में कितने लोग बचे बेटा? 9 में से 2 लोग अरेंज हो गए, बीच में कितने लोग बचे? 7। वो 7 सारे कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे, और उनके लिए आपने क्या लगाया? 7 फैक्टोरियल। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इस सब आपस में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो हर बार क्वेश्चन आप गौर करें, मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर रहा हूँ और फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर रहा हूँ, देखें जरा आप गौर करें इस बातों को। तो सी का आंसर तो क्या है? डायरेक्ट आंसर है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। जल्दी बताइए प्लीज। सी का आंसर है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। बताइए प्लीज। अब आइए डी को सॉल्व करें। डी रिक्वायरमेंट आपकी किताब में नहीं लिखी हुई, आप डी को अपने पास ऐड कर लें। ये किताब का क्वेश्चन नंबर 11 होगा मेरे ख्याल से, तो डी रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं लिखी हुई, इसको आप ऐड कर लें और इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए, बहुत तवज्जो, पहले सीखिए, पहले सीखिए। अब मेरा आपसे फिर से सवाल है, बताइए एंड्स कितने? बताइए एंड्स कितने? 2 एंड्स। गर्ल्स कितनी है? क्वेश्चन कहता है एनी 2 गर्ल्स ऑक्यूपाई द एंड्स। एंड्स 2 हैं, गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 4 हैं। जबरदस्त, क्या मतलब? टोटल गर्ल्स तो 4 है ना, 4 में से कोई सी भी 2, पार्टिकुलर नहीं, 4 में से कोई सी भी 2, तो 4 में से कोई 2 गर्ल्स यहां आके बैठेंगी। इट मीन सबके बैठने का ऑप्शन बनेगा ना इस तरीके से। वो 4 में से कोई सी भी 2 हो सकती है, वो पार्टिकुलर 2 गर्ल्स नहीं है। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? खिड़की वाली सीट पे कौन बैठेगा? मतलब यानी जहाज की खिड़की वाली सीट पर, बस की खिड़की वाली सीट पर, ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर, एंड्स, इस तरह समझ लें। तो अब पहले तो खिड़की वाली सीट पर 2 ही मखसूस लड़कियां बैठ रही थी, अब खिड़की वाली सीट पर 4 में से कोई सी भी 2 बैठ सकती। तो इट मीन्स पहली सीट के उम्मीदवार कितने लोग हुए? 4। फर्स्ट एंड को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस? 4 चॉइसेस। जब 4 में से कोई एक गर्ल यहाँ बैठ जाएगी, तो फिर सेकंड एंड को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस? 3 चॉइसेस। अब जरा मुझे आप बताइए, ये एंड्स वाला पोर्शन सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हमने लगाना है यहाँ पर 4P2, 4P2, 4 permutations taken at 2 times, हैं तो 4 लेकिन at a time 2 arrange हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ends के लिए number of places और number of objects same नहीं थे, yes or no? ends के लिए number of places और number of objects same नहीं थे। भाई जवाब दिया करें, जल्दी जल्दी इसको खत्म करें, please बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड्स की अरेंजमेंट हो गई। तो एंड्स की अरेंजमेंट कैसे की आपने? एनपीआर के थ्रू की, 4P2। तो 4 में से कितनी गर्ल्स अरेंज हुई होंगी? 2 ही हुई होंगी, 2 बच गई होंगी, और 5 बाकी कौन बचा? 5 बॉयज। तो 5 बॉयज 2 गर्ल्स, कितने लोग हो गए? 7। तो बाकी सब कहां आएंगे? बाकी सब इधर ही आएंगे ना, बीच में, और इधर बीच में कितनी प्लेसेस हैं? 7 ही प्लेसेस हैं। तो 4P2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 7 फैक्टोरियल।
जवाब दे, ये मैंने सॉल्व किया फंडामेंटल से और ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया फॉर्मूले से। हाँ जी, क्या आंसर बना, जल्दी जवाब दें सब लोग। सिक्सटी थाउजेंड फोर एटी, ओके जी। तो उम्मीद करता हूँ कि देखें ये समझना पड़ेगा आपको फार्मूला जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करें। देखें दिमाग ये नहीं बनाए कि अभी ये वाले क्वेश्चन चल रहे तो ये फार्मूला लगा दें, रीड करें, समझें मामला, इसमें से क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें चीज़ों को, मामलात को एक्सट्रैक्ट करें, फिर उसके बाद डिसाइड करें फार्मूला कौन सा लगना चाहिए। तो आपको अचानक सरप्राइज लगा होगा कि भाई मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाँ फिर मैंने आखिर में एक पार्ट ऐड कर दिया जिसमें एनपीआर का इस्तेमाल हो गया। समझ पाए इस बात को, जवाब दें बेटा। ओके नाउ आगे बढ़ाते हैं बात को। आगे लेके चलते हैं बात को जनाब। अरेंजमेंट में हमारा तीसरा हिस्सा था, डिस्टिंक्ट परमुटेशन फ्रॉम इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट परमुटेशन फ्रॉम इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दो हिस्से हम कर चुके हैं, एनफैक्टुअल कर चुके हैं, एनपीआर कर चुके हैं, अब तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। तो बहुत तवज्जो, इट मींस दो पार्ट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। अब तीसरा ही नई चीज सीखने जा रहे हैं आप, डिस्टिंक्ट परमुटेशन फ्रॉम इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बोलिए, ठीक है जी, क्या मतलब, इस बात को समझने के पहले लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि इस चीज को एक तरफ रखता हूं मैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और एक तरफ रखता हूं मैं क्या, इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो एक तरफ रखे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक तरफ रखे इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताइए कि इस चीज को पहले हम फर्क कर लें कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, डिस्टिंक्ट परमोटेशन फ्रॉम इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट परमोटेशन फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अभी हम सीख चुके हैं, जिस तरह हमने मेडल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें सारे मेडल्स दिखने में एक दूसरे से क्या थे, फर्क थे, डिस्टिंक्ट थे। अच्छा अब मेडल्स वाली बात भी करूंगा मैं, लेकिन मैं पहले एग्जांपल देता हूं। एक लफ्ज है पी टी आई, पी टी आई एक लफ्ज है, सही है, यस और नो?
अच्छा अब आपसे सवाल क्या है, सवाल ये, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स यूज इन पीटीआई। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं पीटीआई में मौजूद मौजूद लेटर्स। तो जवाब क्या होगा आपका सर? एक तो खुद पीटीआई होगा, दूसरा जैस को यहां बनाते हैं। आपका जवाब होगा सर 3 वर्ड्स हैं और 3 प्लेसेस पे उसको अरेंज करना है। जवाब क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल जो है बराबर है 3 × 2 × 1 के। आंसर आएगा 6। 6 कैसे आएगा सर? पहले पी टी, पहले पी है, फिर टी है, फिर आई है, फिर पी यहीं रहा, आई यहां पर आ गया, टी यहां चला गया, फिर आई यहां पर आ गया, पी यहां चला गया, टी अपनी जगह रहा, आई यहीं रहा, टी यहां आ गया, पी यहां चला गया, टी यहां आ गया, आई यहां रह आ गया, पी वहीं रह गया, फिर टी पी आई। जवाब दें तो पी टी आई, पी आई टी, आई पी टी, आई टी पी, टी आई पी, टी पी आई, यस और नो? जवाब तो क्योंकि पी और टी और आई ये तीनों लेटर्स जो थे वो एक दूसरे से क्या थे? मुख्तलिफ थे। तो दे आर वॉट डिस्टिंक्ट लेटर्स। तीन डिस्टिंक्ट लेटर्स इस्तेमाल करके हमने उनको 3 प्लेसेस पर अरेंज किया। तो वेन नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड दे आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट, यूज वॉट एन फैक्टोरियल। तो हमने एन फैक्टोरियल लगा लिया, हमें अपना आंसर मिल गया। मिला कि नहीं मिला? जवाब दे। अच्छा जी, अगर लव्ज आता है एम क्यू एम, क्या लव्ज आता है? एम क्यू एम। तो मैं कहता हूं हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स यूज्ड इन एम क्यू एम। ये तो हमने सॉल्व किया किससे बेटा? एन फैक्टोरियल से। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स यूज इन एम क्यू एम। एम क्यू एम में मौजूद अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके हम कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशन हासिल कर सकते हैं जो देखने में फर्क हो। सोचिए जरा इस बात को। देखिए मसला क्या है। अब सवाल है इसमें इनडिस्टिंक्ट क्या है? इसमें इनडिस्टिंक्ट ये दोनों एम है। अगर ये वाला एम यहां पर आ जाए और वो वाला एम उठ के वहां चला जाए तो पढ़ने वाले के लिए क्या है? कोई फर्क नहीं है या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अच्छा अब एक काम ये करते हैं ना, एक काम करते हैं, इधर भी लगा देते हैं फार्मूला 3 फैक्टोरियल का। बहुत तवज्जो, इधर लगाते हैं फार्मूला 3 फैक्टोरियल का। तो 3 फैक्टोरियल लगने से इसके भी कितने रिजल्ट बन जाएंगे हमारे सामने? 3 फैक्टोरियल लगने से इसके भी कितने रिजल्ट बन जाएंगे हमारे सामने? 6। अब वो 6 देखते हैं रिजल्ट किस तरह। इसको बोल दिया मैंने M1, इसको बोल दिया मैंने Q और इसको बोल दिया मैंने M2, ताकि दोनों M में हम फर्क कर सकें, फिर आगे जाके हम ये फर्क खत्म कर देंगे। अच्छा जी, अब M1 को हमने रखा वहीं पर ही, M2 को हम ले आए यहाँ पर और Q को ले गए हम वहां पर, फिर M2 को इधर ले आए, M1 को इधर ले गए, Q वहीं रहा, उसके बाद M2 यहीं रहा, Q बीच में आ गया दोबारा से और M1 वहां चला गया। अच्छा जी, उसके बाद Q को यहाँ ले आए, M2 वहां चला गया, M1
वहीं रह गया। फिर क्यू यहीं रहा, एम वन को यहाँ ले आए, एम टू को यहाँ ले गए। क्या ये 6 रिजल्ट्स हैं आपके सामने, यस और नो? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, वो सवाल क्या है? अगर मैं ये 2 और 1 का फर्क खत्म कर दूं, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट किया है, तो कितनी परमुटेशंस ऐसी हैं जो दिखने में एक जैसी हैं? जवाब दे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल कर रहा हूं मैं। देखिए, पहली परमुटेशन है एम क्यू एम, दूसरी है एम एम क्यू। हाँ भाई, ये पढ़ने में अलग है, ये पढ़ने में अलग है, सही है, ओके। फिर तीसरी एम एम क्यू, तो क्या एम एम क्यू एम एम क्यू सेम नहीं है? रिपीट नहीं हो रही है सेम? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेम है वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जो परमोटेशन बने वो डिस्टिंक्ट हो, लेकिन किससे बने? इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से। आगे बात करते हैं। फिर पहली एम क्यू एम, दूसरी एम एम क्यू, एम एम क्यू एक और कैंसिल कर दी, और चौथी क्या है? एम क्यू एम। तो ये पहली और चौथी भी क्या है? सेम है। क्या कर दी? कैंसिल कर दी। अच्छा जी, ओके। उसके बाद पांचवी क्यू एम एम है, छठी भी क्यू एम एम है, तो इसका मतलब क्या करना है? इसको भी कैंसिल करवा दें। तो वैसे 3 फैक्टोरियल लगाने से हमें 6 रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन इन 6 रिजल्ट में 3 रिजल्ट ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे। तो अब सवाल क्या है, इन 6 रिजल्ट में से डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितनी है, 6 है या 3 है? छे है या तीन है? पढ़े, पढ़ के देखे ना, पढ़ के देखे ना आप, एम क्यू एम, एम एम क्यू, क्यू एम एम। ठीक है, सही है जी। तो अब आंसर 3 चाहिए हमें, तो इसका मतलब ये, हमें तो आंसर 6 नहीं चाहिए। हमारा इस केस का आंसर तो 3 हुआ ना, 6 तो नहीं हुआ। तो सर 3 फैक्टोरियल लगाने से तो आंसर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल लगाने से तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा ना? जवाब दे। लेकिन हमें तो आंसर क्या चाहिए? 3 चाहिए। कैसे निकाले? अब बड़ा सिंपल सब है कि इस इसमें एम क्यू एम में मौजूद वो कौन से 2 लेटर्स हैं जो इनडिस्टिंक्ट है, और उनकी तादाद कितनी है? इसमें मौजूद इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो एक जैसे हैं? 2 हैं, पक्का 2 है, एम एंड एम। क्या करवा दें? इस 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करवा दें उन ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन से जो रिपीट हो रहे हैं। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आप जानते हैं 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। और जब 6 डिवाइड होगा 2 से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 3। यस और नो? जवाब दे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये जो नाम है ये महज इत्तफाकिया है। हाँ जी,
हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स यूज इन पी पी पी? कितने बन सकते हैं? एक ही बनेगा, मतलब इसको आप कोई से भी पी को कहीं भी मूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? तो जब आपको कितने पी दिख रहे हैं? 3 पी दिख रहे हैं, तो आपने लगा तो दिया 3 फैक्टोरियल, लेकिन आप जानते हैं 3 फैक्टोरियल का आंसर तो 6 आ रहा है ना, तो यहाँ तो 6 रिजल्ट नहीं चाहिए, आपको एक रिजल्ट चाहिए। तो अब ऐसे कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो हैं कितने? 3। तो जब आपने 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करवाया किससे? 3 फैक्टोरियल से, तो फिर क्या हुआ? 6 डिवाइड हुआ 6 से, और आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को बेटा? जवाब दीजिए। सबको चले, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनडिस्टिंग्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंग्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडिस्टिंग्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, डिस्टिंग्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडिस्टिंग्ट ऑब्जेक्ट्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, 2 गोल्ड मेडल है और 1 सिल्वर मेडल है, ऐसा है बेटा?
अब जरा फर्क बताएं आप, फर्क बताएं आप, फर्क। यहां दो गोल्ड मेडल है, मटेरियल सेम है लेकिन मेडल दिखने में डिस्टिंक्ट है। सिल्वर मेडल तो वैसे ही गोल्ड से डिस्टिंक हो जाएगा, भले उसका शेप भी सेम हो लेकिन मटेरियल का फर्क आ जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्स प्लीज। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं और ये दो गोल्ड मेडल हैं, क्या ये दिखने में एक जैसे हैं? तो ये वाला गोल्ड मेडल उठ के यहां पर आए, ये वाला उठ के यहां जाए, कोई फर्क पड़ेगा? शेप भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो क्या ये दो ऑब्जेक्ट्स इनडिस्टिंक्ट कहलाए? क्या ये दो ऑब्जेक्ट्स इनडिस्टिंक्ट कहलाए? क्या ये दो ऑब्जेक्ट्स इनडिस्टिंक्ट कहलाए? तो डिस्टिंक्ट परमुटेशन विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यहां लगा दोगे आप क्या? यहां लगा दोगे आप क्या? 3 फैक्टोरियल, जिसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। और ये क्या है बेटा? डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनानी है फ्रॉम इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो यहां पर भी लगाया आपने 3 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि इसमें दो मेडल्स जो थे वो क्या थे? इनडिस्टिंक्ट थे, तो आपने उसको डिवाइड करवा दिया किससे? टू फैक्टोरियल्स। तो अब यहां पर आंसर क्या आया? 3 आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं दोनों फर्क, दोनों का फर्क? अब आप देखना चाहेंगे अरेंजमेंट्स? ये यही रहा, ये यहां आ गया। जवाब दे, उसके बाद ये यहां चला गया। ये यहां आ गया। ये यहां आ गया। ये यहीं रहा। ये यहां चला गया। ये यहां आ गया। जवाब दें बेटा। उसके बाद ये यहां आ गया। ये यहां आ गया और ये यहीं रहा। ये यहां आ गया
ये यहाँ आ गया। क्या आप 6 रिजल्ट देख पा रहे हैं बेटा? और ये 6 रिजल्ट, 6 के 6 रिजल्ट दिखने में क्या है फर्क है? लेकिन जब मैं यही काम यहां करूंगा तो क्या होगा? ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। जवाब दे। ये यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ रहेगा। ठीक है जी। अब ये 3 रिजल्ट वो है जो क्या है, इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। चाहो तो मैं बना दूं, मजीद 3 बन जाएंगे, लेकिन वो 3 इन जैसे होंगे और कैंसिल हो रहे होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको बेटा? अब उसमें क्या है, मजीद 3 क्या है कि भाई ये वाला मेडल इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला इधर चला जाए, ये वाला इधर आ जाए, और ये वाला इधर चला जाए, ये वाला इधर आ जाए। तो 3 ऐसे और बन जाएंगे, लेकिन वो कैंसिल होंगे। वो आपने कैंसिल करवा दिए 2 फैक्टोरियल से। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी गुफ्तगू आपको समझ में आई होगी। डिस्टिंक्ट परमुटेशन फ्रॉम इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब सवाल करते हैं आपसे, करें ना सवाल आपसे। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट परमुटेशंस यूजिंग द लेटर्स इन मिसिसिपी। तो मिसिसिपी जो है वो एक स्टेट का नाम है, एक रियासत का नाम है अमेरिका की। तो अगर मिसिसिपी में मौजूद अल्फाबेट्स को इस्तेमाल किया जाए तो उससे कितनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन बन सकती है? जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। तो एक काम करते हैं, पहले मिसिसिपी के अंदर गिनते हैं अल्फाबेट्स कितने। एम, एम कितनी बार है? एक बार। आई कितनी बार है? 4 बार। एस कितनी बार है? 4 बार। और पी कितनी बार है? 2 बार। टोटल क्या हो जाएगा इसका? 11। तो क्या किया आपने, लगाया 11 फैक्टोरियल। लेकिन 11 फैक्टर लगाएंगे तो बहुत सारी परमुटेशन बनेंगी, इसमें बहुत सारी परमुटेशन रिपीट हो रही हो। इसमें से वो लफ्ज़ जो रिपीट हो रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है? आई रिपीट हो रहा है 4 दफ़ा है। यानी अगर ये वाला आई इस वाले आई की जगह पर आ जाए और ये वाला आई यहाँ चला जाए, या ये दोनों आई वहाँ चले जाएँ, तो देखने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए कोई फ़र्क नहीं होगा। या ये दोनों एस अपने रिप्लेसमेंट कर लें, या ये दोनों चले जाएँ अपने एक दूसरे को रिप्लेस कर लें, या ये एज अ सेट उठ के वहाँ चले जाएँ, या एज अ सेट उठ के यहाँ आ जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप उसको डिवाइड कैसे करवाएंगे? आपको डिवाइड करवाएं 4 फैक्टोरियल से, फिर मल्टीप्लाई करें किससे? 4 फैक्टोरियल से, और फिर मल्टीप्लाई करें किससे? 2 फैक्टोरियल से। तो अभी यहाँ पर कैंसिल करने के लिए आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है। आई भी कैंसिल होगा, एस भी कैंसिल होगा, और पी भी कैंसिल होगा। तो इसका जवाब है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। बताएंगे इसका जवाब क्या होगा?
बोलिए। 34,000, 650। ठीक है जी, आंसर आ गया सब लोगों का बेटा। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जवाब तो दें, टाइम बिल्कुल एंड हो गया। क्या आंसर आ गया सब लोगों का? भाई क्या किया, टोटल कितने लेटर्स थे? 11, 11 फैक्टोरियल से सबकी अग्रीमेंट मिल गई, लेकिन उसमें अगर ये आई जो है वो चार हैं, तो अगर वो इंटरचेंज करें तो 4 फैक्टोरियल सिर्फ आई की अरेंजमेंट है, 4 फैक्टोरियल सिर्फ एस की अरेंजमेंट है, और 2 फैक्टोरियल जो है सिर्फ पी की अरेंजमेंट है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवा कर 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दिया, 11 फैक्टोरियल को इन सबके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया। जवाब दे बेटा। ठीक है, तो अब आप उसके होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लें, इसमें एक पार्ट रह गया, वो कंप्यूटर का, तो हमारे टॉपिक कंप्यूटर का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो होमवर्क के क्वेश्चन आप नोट कर लें, वो जो आपने 5 क्वेश्चंस किए थे उसके बाद अगले पेज से क्वेश्चन शुरू कर दें आप। और सिक्स से शुरू कर दें, सिक्स से लेकर आप क्वेश्चन करें कहां तक? ट्वेंटी थ्री तक, 23 तक, 6 से 23 तक। सिक्स टू 23। ठीक है, 6 से लेकर 23 तक आप क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। सही जनाब, हो जाएगा सॉल्व। अस्सलाम वालेकुम सर। बताइए बेटा, होमवर्क नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके जनाब, तो इंशाल्लाह फर्दर बात आपसे होती रहेगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।